जुड़वा का नाम सुनकर हर किसी के मन में फिल्मों की याद आने लगती है। सीता गीता जुड़वा जैसी न जाने कितनी फिल्में बनी हैं, लेकिन इलाहाबाद में एक छोटा सा गांव ऐसा भी है जहां सदियों से जुड़वा बच्चों का जन्म होता है। इस गांव में 80 साल से लेकर 6 महीने तक के बच्चे मौजूद हैं जो कि जुड़वा हैं। आइए देखते हैं इस पर एक रिपोर्ट। प्रयागराज का एक गाँव चर्चा में है और चर्चा का विषय भी बहुत गंभीर है। इस विषय पर वैज्ञानिक भी रिसर्च कर रहे हैं। दरअसल इस गांव में आपको बहुत लोग एक ही शक्ल के मिल जाएंगे। रंग रूप, कद काठी, शक्ल, बोलचाल सब एक जैसी दिखाई देगी। दरअसल इस गांव में जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं और ये अभी से नहीं है, सालों से है। 80 साल के बुजुर्ग से लेकर 6 महीने के बच्चे तक, घर में दोगुनी खुशी। गांव के लोगों का कहना है कि गांव में भैंस बकरी ही नहीं, मुर्गी भी डबल जर्दी के अंडे देती है। कई बार तो बच्चे अपने हमशक्ल होने पर शैतानियां भी करती हैं। वैज्ञानिकों का इस मसले पर कहना है कि जुड़वा होने का कारण वहां पर पी जाने वाली कोई जड़ी बूटी है। वैज्ञानिक इस जड़ी बूटी पर रिसर्च कर रहे हैं। ये गाँव है प्रयागराज का उमरी गाँव, जहाँ घर घर में जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। 2000 की आबादी वाले इस गांव में 156 परिवार ऐसे हैं जिसमें आधे से ज्यादा घरों में जुड़वा बच्चे हैं। उमरी गांव के जुड़वा मोहम्मद इरफान बताते हैं कि वे भी जुड़वा हैं और उनके घर में भी जुड़वा बेटियों ने ही जन्म लिया है। मोहम्मद इरफान और उनके भाई मोहम्मद रिहान की तरह पूरा उमरी गाँव एक जैसी शक्ल के लोगों से भरा हुआ है और इन जुड़वा हम शक्लों ने अपने हम शक्ल होने का खूब फायदा भी उठाया है। घर में जुड़वा बच्चे होने की खुशी किसे नहीं होती, और जब उमरी गांव के हर घर की यही कहानी हो तो फिर बात ही क्या है। लेकिन उमरी की अर्शीवानों की मुश्किल तब बढ़ जाती है जब उनकी जुड़वा बेटियों में एक को दुलार करो तो दूसरी रूठ जाती है। बच्चे बड़े होंगे तो तालीम से स्कूल जाएंगे, लेकिन इन हमशक्लों से स्कूल के टीचर भी परेशान हैं। तो वहीं मोहम्मद रिहान की तकलीफ तब बढ़ गई जब उनकी प्रेमिका ने प्यार का इजहार गलती से उनके भाई मोहम्मद इरफान को कर दिया। इलाहाबाद के एयरफोर्स स्टेशन बरमौली के पास स्थित इस गांव उमरी में घर घर में जुड़वा बच्चे पैदा होने को कुदरत का करिश्मा कहा जाए या कुछ और, लेकिन इसका जवाब डॉक्टरों के पास भी नहीं है। उमरी गांव का इतिहास काफी पुराना है। गांव के बुजुर्ग इस गांव का अस्तित्व लगभग 250 साल पहले का बताते हैं और 80 साल पहले से जुड़वा हमशक्ल पैदा होने की बात बताते हैं। लेकिन प्रशासनिक बेरुखी की वजह से इस गांव में सरकारी अस्पताल तक नहीं है। कई बार सरकारी डॉक्टरों की टीमें आईं, लेकिन खाना पूर्ति करके चली गईं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।